सबको पेट खराब होने की प्रॉब्लम कभी ना कभी होती ही है। पेट खराब होने की वजह होती है जैसे फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग, वायरस, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम के कारण पेट खराब होने की परेशानी होती है। पेट खराब होने के बाद वॉमिटिंग, डायरिया, पेट में काफी दर्द होना, ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो अब इस पेट की परेशानी को ठीक करने के लिए काफी सारे घरेलू उपचार भी ट्राई किए जाते हैं। काफी उपचार अच्छे काम भी कर लेते हैं, पर किसी भी दवाई को ट्राई करने से पहले बीमारी की वजह जानना जरूरी है। पेट में अगर गैस की वजह से दर्द है तो आप फूड पॉइजनिंग की दवाई नहीं ले सकते। तो आज की ये वीडियो में मैं आपको पेट खराब होने पे क्या खाना चाहिए उसके बारे में बताऊंगी, और इसके सिवा ये भी बताऊंगी कि पेट खराब होने की कौन सी वजह होती है। लेकिन अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल लिव लॉन्ग हेल्थ को सब्सक्राइब करना ना भूले। फूड इनटॉलरेंस। अगर आपके पेट को कोई चीज पसंद नहीं होगी और फिर भी आप वो खाएंगे तो उससे पेट खराब होता है, क्योंकि कुछ चीजें पेट सहन नहीं कर पाता है जिससे आपको परेशानी होती है। कुछ लोगों को लैक्टोज और ग्लूटेन की एलर्जी होती है। अगर आपने ऐसी कोई चीज खाई जिसमें लैक्टोज और ग्लूटेन है तो पेट सहन नहीं करेगा। मोशन सिकनेस। काफी लोगों को ये परेशानी होता है ट्रैवलिंग के टाइम। बस, कार, बोट या प्लेन में ट्रैवल करते वक्त वॉमिटिंग जैसा फील होता है। व्हीकल के आवाज या मूवमेंट के कारण आपका इनर ईयर डिस्टर्ब होता है, जिस कारण कुछ लोगों को चक्कर आना और वॉमिटिंग होने की परेशानी होती है। कई बार ये राइड्स पर बैठने से भी होता है, जिस कारण राइड्स पे बिना कुछ खाए जाना अच्छा होता है। साइड इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन। कुछ मेडिसिन और मेडिकल ट्रीटमेंट्स के कारण भी पेट खराब होने की परेशानी हो सकती है। टफ वर्कआउट। कोई भी एक्सरसाइज या जिम में वर्कआउट करने से पहले आपने अगर बहुत हैवी खाना खाया तो पेट खराब होने की परेशानी होती है। इन कारणों के कारण पेट खराब होने के चांसेस होते हैं, और ऐसी सिचुएशन में हर कोई चाहता है कि जल्दी से इस पेट दर्द से राहत मिले। इसीलिए मैं कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताऊंगी जो पेट की परेशानी से राहत देंगे। बेस्ट फूड्स फॉर अपसेट स्टमक। बनाना। बनाना ऐसा फ्रूट है जो सिर्फ पेट दर्द में नहीं तो किसी भी बीमारी में खाना अच्छा होता है, क्योंकि बनाना बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और ठंडा भी होता है। पेट खराब होता है तो वॉमिटिंग और डायरिया के कारण काफी पोटेशियम न्यूट्रिएंट खत्म हो जाते हैं। बनाना में पोटेशियम का बहुत सोर्स होता है जो आपकी बॉडी में पोटेशियम की कमी फिर से भर देता है। योगर्ट। दही में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो पेट के स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छे होते हैं, इसीलिए पेट खराब हो तब दही खाना काफी अच्छा होता है। दही के बैक्टीरिया से पेट का डाइजेशन ठीक हो जाता है और फिर से पेट में गुड बैक्टीरिया स्टोर हो जाते हैं। पर ध्यान रखें कि फ्रेश प्लेन दही ही खाइए। ओट्स। जब आपको पेट खराब होने की परेशानी हो तब एक कटोरी ओट्स खाना अच्छा होता है। ओट्स डाइजेस्ट होने में काफी लाइटवेट होते हैं। पेट खराब होता है तब वॉमिटिंग और लूज मोशन के कारण काफी वीकनेस महसूस होती है, तो इस वीकनेस को कम करने और बॉडी अच्छे से काम करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत होती है। एक कटोरी ओट्स खाने से काफी कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी में स्टोर हो जाएंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि प्लेन ओट्स ही खाएं। फ्लेवर्ड वैरायटी के ओट्स बिल्कुल ना खाइए। स्वीट पोटैटोज। अगर आपको स्टमक ब्लोटिंग की परेशानी है तो स्वीट पोटैटो खाना काफी अच्छा होगा। स्वीट पोटैटो में पोटेशियम और मैग्नीशियम दोनों होता है जो स्टमक ब्लोटिंग और दर्द कम करता है। स्वीट पोटैटो के इस पोटेशियम और मैग्नीशियम के कॉम्बिनेशन से पेट की परेशानी ठीक हो जाती है। तो ये थे कुछ फूड्स जो आपको पेट खराब होने की परेशानी से राहत देंगे। नॉर्मल पेट दर्द या पेट की परेशानी कम से कम 2 दिन में ठीक होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। कभी कभार पेट दर्द की कोई गंभीर वजह भी हो सकती है, लेकिन पेट खराब हो तब हैवी और ऑयली फूड अवॉइड करें, और टी, कॉफी जैसे कैफीन ड्रिंक्स भी ना पिए। लाइट और एनर्जी देने वाला खाना ज्यादा खाइए। तो अब आपके इस वीडियो पे क्या व्यूज है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।